नमस्कार दोस्तों। फेसबुक पर कई दिनों से दो वीडियो वायरल हो रही है। एक में इसहार कॉल जाट कॉलेज का मामला है, दूसरा एक प्रोड्यूसर है जो कोई मुंबई के है, उनका नाम मैं याद नहीं रहा क्या है, जरूरी भी नहीं रखना ऐसे लोगों का, जो साथ में जोकर रखे हुए है, उनकी जोकर जैसी शिकल है वो है। तो उन्होंने बोला है कि हमने इतिहास में महाराजा सूरजमल के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, जब इतिहास में महाराजा सूरजमल के बारे में नहीं पढ़ा तो इतनी बड़ी फिल्म में उनका रोल खमखाए ले लिया क्या है? बिना मतलब में ही महाराजा सूरजमल इतिहास में आ गए और तुम्हारी बॉलीवुड की उसमें आ गई। तुम्हारे दिक्कत क्या हो रही है कि इतना बड़ा नुकसान जो तूने वीडियो में बोला है वो हो गया ना तुम्हारा? अबे जब घटिया फिल्म बनाओगे तो घटिया नुकसान होगा ना। और क्या क्या उठा रखा है हिंदू राष्ट्र क्या है? इमाद के बुलाए पे तुम्हारे मराठा उत्तर भारत में आए थे, उत्तर भारत लूटने के लिए। जो ये भारत की बात करते हैं ना, हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये मत क्या करो। यहाँ सिर्फ लूटपाट किया मराठाओं ने, सिर्फ लूटपाट, ध्यान रखना। और हमने तुम्हारे महापुरुषों की, जिसका तू नाम ले रहा है ना वीडियो में, हमने उनके बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है कि वे पहाड़ी चूहे थे, पहाड़ी चूहे, ठीक है, जो चूहों की तरह आते थे, कुछ नाच दान पानी उठाया और फिर भाग के अपने जंगलों में छिप गए। और दूसरा भगोड़ा था, बेमतलब में बाउंडर बनाने से वो कोई वो तो नहीं हो जाएगी ना महान इतिहास में, कभी नहीं होगी। तुम कितने जोड़ लगा लियो, ठीक है? तो और अगर तू इतिहास पढ़ने चाहता है ना तो पढ़ ले, कालिका रंजन क्वांगो की किताब है, पेज नंबर 64 पे लिखा है महाराजा सूरजमल के बारे में। तू 5.5 फुट का है, तेरे पूर्वज 5.5 फुट के थे और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं। लिख पढ़ ले, वहां लिखा है महाराजा सूरजमल वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन, मतलब बहुत ही तगड़े शरीर के थे। अबाउट देन मीडियम हाइट, मतलब एक मीडियम नॉर्मल आदमी की हाइट से ज्यादा लंबे थे। उस टाइम की मीडियम हाइट देख ले और उससे ज्यादा क्या होती होगी, ठीक है? और रोबस्ट फ्रेम, रोबस्ट फ्रेम का मतलब होता है एक बहुत ही मजबूत कदकाठी। ये बात एक पेज चलाता है, एक गधा, उसे मैंने कई बार बताया भी है, गोले है वो, स्पेशली बुलंदशहर का रहने वाला है, कच्छा यूनाइटेड के नाम से, यूनाइटेड कच्छों के नाम से, ठीक है, उसके लिए भी है। तो तू पहले पढ़ लिया कर, जो तू पोस्ट में फोटो डालता रहे कम से कम उसको ध्यान से पढ़ लिया कर। क्या पढ़ाना नहीं आता क्या, स्कूल में नहीं गए क्या कभी है? क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि वो एक रोबस्ट फ्रेम के थे। रोबस्ट फ्रेम का मतलब अगर तुझे ना पता हो तो गूगल करके चेक कर ले, हिंदी डिक्शनरी मिलती है, उसका मतलब आ जाएगा रोबस्ट फ्रेम का क्या होता है। पागलों की तरफ पागल मत पढ़े खिनाया कर, तेरे तू तो खुद सबूत दे रहा है और फिर हमसे मांग रहा है। अरे जैसी करेक्टरिस्टिक थी, वेरी ब्लैक कॉम्प्लेक्स लिखा है उनका, तो ठीक है था, क्या बात हुई, तो उसका मतलब वीर नहीं थे क्या? पेज नंबर 69 है कालिका रंजन क्वांगो की किताब का, हिस्ट्री ऑफ जाट्स में। तीन तीन हिस्टोरियन सपोर्ट करते हैं उनकी बात को। पहला नाम है ग्रोवे, पेज नंबर 139, दूसरे है फादर वेंडले, तीसरे है ओर्मी MSP, पेज नंबर है उनका 51, ठीक है जी। उसमें उन्होंने अकेले 50 को मारा था, 180 को घायल किया था उस लड़ाई में, जिसमें तेरे मराठा सिसोदिया हांडा और ये तेरे राठौड़ माधो सिंह के पक्ष में आए थे। पहली लड़ाई जब उसमें ईश्वरी सिंह के पक्ष में महाराजा सूरजमल 1748 में बगरू की लड़ाई में जाते हैं ना, तो पहले जब शिव सिंह था जो शिखर का वो था, मतलब जयपुर स्टेट के अधीन उनका जमीन, वहां का शिखर का वो था, क्या बोलते हैं यार उसको, मेन लीडर, मतलब जिसके अंडर शिखर था, ठीक है, उस वो फर्स्ट दिन बैटल में मर गया था जब गंगाधर तांती ने उस पर अटैक किया था। राइट विंग में वो राइट विंग हैंडल किया था सूरजमल ने, सेंटर में था शिव सिंह, राइट विंग था शिव सिंह के पास, सेंटर था सूरजमल के पास और लेफ्ट विंग था इस राजा ईश्वरी सिंह के पास, ठीक है। तो जब गंगाधर तांतिया ने उस पर अटैक किया था राइट विंग के पास ऊपर, तो उसमें शिव सिंह मारा गया था। तो जब ईश्वरी सिंह ने रिक्वेस्ट की थी सूरजमल से, जाओ हमें बचा लो, ठीक है, ये तुम्हारी खुद की किताब में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, राजस्थान थ्रू द एजेस, जो जहाँ से तू ये अपने जदुनाथ सरकार के इतिहासकार को उठाए फिरता है ना कि हम उसने तो बहुत बड़े काम किए, बहुत बड़ा राइटर है, वो कॉपी पेस्ट करता था, बाकी कुछ नहीं करता उसने, क्वांगो का एक वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यही उसने तुम्हारे माधो सिंह की किताब का है। अरे घर अपनी खुद की किताब में तो सम्मान है, खुद की किताब में तो तुम हल्दी घाटी का युद्ध भी जीत गए थे, क्या बात करते हो भाई। और यही मेरा एक थोड़ा सा आग्रह है मिसिज पुनिया सीजे, जो
जाट कॉलेज हिसार में लेक्चरार है हिस्ट्री के ऊपर। तो मैडम मैंने आपको किताब के पेज नंबर तक बता दिए, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो ना तो जरूर पढ़ लेना। और ये एक आखिरी मेरा जवाब है प्रोड्यूसर के लिए, हमारे पूर्वज भागते नहीं थे, गोकुल सिंह के बारे में पढ़ लेना, तो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको बीए के ड्यू यूनिवर्सिटी में वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है, उसमें लिखा है गोकुल सिंह के बारे में, पढ़ लेना जब समय मिलेगा। गोकुल सिंह 20,000 की सेना लेकर उस समय के सबसे पावरफुल एम्पायर से लड़ गया था, औरंगजेब से। औरंगजेब 1782 में गए थे तुम्हारे यहाँ, जब तक तुम्हारे पूर्वज मर चुके थे, ठीक है? तो हमें इतिहास मत सिखाओ, और जो तेरा बाकी जो तूने पक्की है ना वीडियो में, वो तेरा उसके साथ होगा। हमारे लिए तो वे पैरों में पहनने के लिए जो जूती होती है ना, उसके समान है, ठीक है बाबू? हम तुझसे इज्जत का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि तू आ उनकी इज्जत कर, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत काफी है महाराजा सूरजमल के लिए, तेरी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बाढ़ में जाओ, हम काफी है बतेरे। बाकी जो समाज हमारे साथ आया था वो जुड़े रहा हमारे साथ, उसके लिए हमारा धन्यवाद है, ठीक है? तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, तुम साउथ के टुच्चे ना, साउथ में रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, याद रखना भिंडरे वाले को, वहीं जाके बता गया था, पूछ ले अपने नागपुरी संतरों से, ये इतिहास पढ़ लिया भिंडरे वाले का, क्या किया था उसने तुम्हारे साथ, ठीक है? तो ज्यादा बकचोदी मत किया करो। अच्छा तो अब हम बात करेंगे, एक पोस्ट डाली है कच्छों ने, उसमें बताया है कि जो ये थे ना, जब दिल्ली में जाटों ने चढ़ाई की थी सफदरजंग के साथ, उनका वो हुआ था, सफदरजंग वजीर था उस टाइम पे दिल्ली का, उसने विद्रोह कर दिया था, जिसमें उसने सूरजमल को दिल्ली पे अटैक करने के लिए न्योता दिया था, तो उसको जाट गर्दी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो उसने पोस्ट बना के क्या लिखी है, ये कैसे हिंदू थे जो हिंदू पे ही अटैक करते थे, अबे वो पागल, पूरे इतिहास पढ़ लिया कर, उसमें लिखा है सूरजमल वॉज अ किंग रेस्पेक्टेड बाय हिंदू, लव बाय जाट्स, ठीक है? रेस्पेक्टेड, उनको हिंदू को बचाने का काम किया करता था। 1750 में जब सदारत खान को हराया था ना, अलवर वापस लिया था महाराजा सूरजमल ने, तब उन्होंने दो शर्तें रखी थी सदारत खान के साथ, कि कोई भी पीपल का पेड़ उनके रियासत में नहीं कटेगा, कोई हिंदू मंदिर को डिमोलिश नहीं करेगा, डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ना, तेरी इंग्लिश कमजोर है ना, पढ़ा दूँ तुझे, तो कोई भी उसका तोड़ने का काम नहीं करेगा। तो पहले इतिहास को पढ़ लिया करो, तब आप कमेंट किया करो, ये मेरा मैडम से निवेदन है, और यही उस जोकर प्रोड्यूसर से, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो शेयर कर दो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न करा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। लास्ट में मैं दो बात एडिट करना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बोल रहा है कि आगरा का किला सूरजमल को क्यों चाहिए था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हें इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, तुम बात क्यों करते हो, ये गंदी जुबान खोलने से पहले इसको बंद कर लिया करो तो ठीक रहेगा ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आगरा के किले का कभी मुद्दा था ही नहीं, सूरजमल और भाव के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो सिर्फ दिल्ली को लेकर हुआ था, कि सदाशिव राव जो मराठा थे, मुगल प्रेम था उनका, जो मुगलों के प्रति थी वो दिल्ली मुगलों को देना चाहते थे, जिसके खिलाफ सूरजमल थे। और तुमने एक सीरियल भी बनाया है दम ग्रेट मराठा, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुझे, देख लेना वीडियो, उसमें भी यही मुद्दा दिखाया गया है कि दिल्ली को लेकर सदाशिव भाऊ और सूरजमल के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सूरजमल वापस बल्लभगढ़ लौट गए थे, जो उनकी रियासत में था, दिल्ली से सिर्फ 35 किलोमीटर तक उनकी रियासत पड़ती थी बाबूजी, ठीक है? और दूसरा था कि तूने कहा था कि उनकी एक उपलब्धि गिनवा दे, तुझे पता है ना पठान क्या करते हैं जब लड़ाई जीतने के बाद तुम्हारी लेडीजों के साथ क्या करते, अगर सूरजमल पेशवाओं की औरतों को अपने किले में शरण ना देता तो क्या होता, पता है तुझे, सबको ही पता है, वो क्या करते, घसीट घसीट के ले जाते। हमने तब भी तुम्हारी मदद करी जबकि मुगलों के इमाद के बुलावे पर 1754 में कुमेर के किले पर मराठा और मुगल सेना, संयुक्त सेना ने 80,000 की सेना थी, मिलकर चढ़ाई की थी। कौन सा प्रेम था ये, कौन सा हिंदू था, कौन सा हिंदू राष्ट्र था ये, कौन सा हिंदुस्तान था ये तो बता दे, कहाँ का हिंदू राष्ट्र है? और दूसरा जवाब मेरा उस बाबूजी से है जो पोस्ट बना बना के डालता है यूनाइटेड कच्छे वाले, तो उसमें मैं उससे कहना चाहता हूँ, जौन सी किताब के तू फोटो गिरता है ना, वो तेरे खुद की किताब के लिखे हुए है,
खुद तेरे राजाओं ने लिखे थे, क्योंकि जवाहर सिंह ने माधो सिंह की तुड़ाई उसी के राज्य में जाके की थी। ठीक है, तो ये तू अपनी वो वाला काम में क्या कर कि घसीणी घसियाणी बिल्ली खंबा नोचे, तो नोच तरह कुछ नहीं होना। माधो सिंह की किताब खुद की किताब में सब वीर है भाई। तेरी माधो सिंह की किताब का जो तू रोज रोज फोटो घेरता रहता है ना, और कि नहीं, हम उसमें तो उसको वो दिखाया गया है सूरजमल की वेसल्स की तरह बिहेव करता था। अरे भी उसमें भी तुमने ढंग से नहीं लिखा। वेसल्स का मतलब होता है जो किसी राज्य को कर देता हो, उसके नीचे नहीं रहता हो। वेसल्स होता है जो बिना राजा की परमिशन के, अपने राजा की परमिशन के वो युद्ध में बन जाता था। भरतपुर कभी किसी की परमिशन नहीं लेता, और कितना टैक्स देता था ये तो तूने आज तक नहीं बताया। भरतपुर जयपुर को कितना टैक्स देता था हमें आज तक साला यही नहीं पता चला, किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिला। तुम लोग कौन सी बकवास करते हो? तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों।